नमस्कार दोस्तों मैं हूं हूँ कुंड वेलकम टू माय चैनल दोस्तों हमारी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है इसमें ऑलरेडी हम टेलियट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ हिस्से देख चुके हैं अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसमें आप जाके देखेंगे कि हम ऑलरेडी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहलाता है वो देख चुके हैं साथ ही हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है वो देख चुके हैं प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे डिफरेंट होती है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज

कि भाई देर इज अ टर्म कॉल्ड डिवीजन ऑफ पावर एंड देर इज अनदर टर्म कॉल्ड सेपरेशन सेपरेशन ऑफ 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 पावर पावर अब ये एंड पावर के बीच में हमें पहले डिफरेंस समझना होगा तभी जाकर हम फेडरलिज्म को समझ पाएंगे देखिए इन दोनों ही टर्म्स को जब हम देखते हैं तो यहां पे एक वर्ड कॉमन है दैट इज पावर एंड हमें अगर कॉमन सेंसिकल मीनिंग की बात करें तो ये समझ आ रहा है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात की जा रही है बिटवीन वेरियस ऑर्गन या बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स या बिटवीन वेरियस एंटिटीज यू कह लेते हैं राइट सो डिवीज़न ऑफ पावर में भी पावर को जो है डिस्ट्रीब्यूट uh, किया जा रहा है दो या दो से अधिक एंटिटीज uh, के बीच में एंड सेपरेशन ऑफ पावर में भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है बिटवीन टू और मोर एंटिटीज अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है जब हम डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हम यहां पर वर्टिकल डिवीजन की बात कर रहे होते हैं या फिर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात कर रहे होते हैं हम यहां पे कह रहे होते हैं जब पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बेसिकली बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स तो यहां पर हम कह रहे होते हैं डिवीजन ऑफ पावर और जब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर की तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है बिटवीन वेरियस ऑर्गन ऑफ स्टेट हमने कल की वीडियो में भी देखा था कि भाई देर आर थ्री ऑर्गन ऑफ स्टेट कौन से कौन से थ्री ऑर्गन इज दिटिव एंड अदर इज जुडिशरी ना लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें तो लेजिस्लेचर का, का काम क्या है हमने देखा था कि भाई का लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना एग्जेक्यूटिव का, का काम है कानूनों को लागू करना एंड जुडिशियरी का, का काम है उन कानूनों पर न्याय देना अब हमारे संविधान में हमने देखा था कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर को कंप्लीटली यहां पे तीनों ऑर्गन के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अब डिवीजन ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो देखिए डिवीजन ऑफ पावर हमने अभी कहा कि भाई हमारा जो संविधान है ना इसमें देर इज शेड्यूल सेवन जिसमें देर आर थ्री लिस्ट वन इज यूनियन लिस्ट सेकेंड इज स्टेट लिस्ट एंड द थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट में वो सब sub सब्जेक्ट्स आ जा जाते हैं जिन पे केवल और केवल पार्लियामेंट को कानून बनाने की आज़ादी है और उसे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करते हैं अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो उसमें वो सब सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिस पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कानून बनाती हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट्स उसे एग्जीक्यूट करते हैं अगर अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिसमें हमें देखने को मिलता है कि भाई दोनों के पास यानी कि

कोई गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर वो फेडरल है या फिर यूनिटरी है ये कैसे तय होगा तो इसे तय करने का सबसे सही तरीका होता है कि हम वहां पे देखते हैं कि डिवीजन ऑफ पावर उस पूरे स्ट्रक्चर में कैसी है अगर वहां पे डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट हो रखी है तो उसे हम कहेंगे फेडरल स्ट्रक्चर अगर डिवीजन ऑफ पावर नहीं हो रखी है और सारी की सारी जो पावर हैं वो केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में है तो उसे हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे So, मैंने यहां पे यही लिखा है मैंने लिखा कि बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज फेडरल एंड यूनिटरी अब हमने अभी देखा कि भाई अगर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के बीच में पावर अगर बटी हुई है जैसे कि भारत के केस में बटी भी हुई है सेवंथ स्केड्यूल का हमने जिक्र किया तो वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाती है और हम अगर आ, कुछ और एग्जाम्पल्स उठाएं जैसे यूके है जैसे फ्रांस है चाइना है इन सभी कंट्रीज में हमें देखने को मिलता है कि मोस्टली जो पावर्स हैं वो सेंटर के हाथ में कंसंट्रेटेड है सेंटर की तरफ से से सारे जो मेजर मेजर पॉलिसी डिसीजंस हैं 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 लॉज वो सब सेंटर की तरफ से बनाए जाते ऑफ कोर्स देयर कैन बी अ डेलीगेशन ऑफ पावर टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बट देन अगेन इट इज ऑन द विम्स एंड फेंसेस ऑफ द सेंटर सो बेसिकली हो क्या रहा है अगर हम बात करें यूनिटरी गवर्नमेंट की तो यूनिटरी गवर्नमेंट के केस में सारी की सारी पावर जो है वो सेंटर के हाथ में आ जाती है अब अगर हम बात करें फेडरलिज्म की हमने ये तो देख लिया कि भाई देर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट बट देन देर आर सम मोर फीचर्स टू इट अगर हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट की बात माने तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने जो फेडरलिज्म का ट्रू मॉडल चुना है वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को चुना है और उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने फेडरलिज्म को डिफाइन भी किया है उनके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो इनके अकॉर्डिंग फेडरलिज्म कंट्री होने में देर आर सिक्स फीचर्स या फेडरलिज्म का कॉन्स्टिट्यूशन में छह फीचर्स का होना अनिवार्य है कौन से कौन से छह फीचर्स हैं चलिए जल्दी से देख लेते हैं सबसे पहला फीचर है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है अब यूएसए में हमने देखा कि भाई देर इज अ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन भारत में भी हमने देखा कि भाई देर इज अ अटन कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन या लिखित संविधान का मतलब क्या है एक ऐसा संविधान जिसे इनैक्ट किया गया हो और जिसे एक किताब की शक्ल में बनाया गया हो भारत में भी हमने देखा कि ऐसा ही है दूसरा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने हमारी लास्ट वीडियो में जब हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बातचीत कर रहे थे तब भी हमने ये डिस्कस किया था कि जहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है वहां पर वो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप सुप्रीम हो जाता है क्योंकि सारे प्रोविजंस को एक किताब में लिख दिया गया है तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाती है और जो बात तीन ऑर्गन्स हैं चाहे वो लेजिस्लेचर है या फिर एग्जीक्यूटिव है फिर या फिर जुडिशियरी है इन तीनों के लिए अनिवार्य हो जाता है कि वो संविधान के यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में लिमिटेशन में रहकर काम करें कोई भी अगर ऑर्गन कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिटेशंस को क्रॉस करने की कोशिश करती है तो देर इज द डॉक्टर में देखकर आए हैं राइट सो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेकंड फीचर ऑफ फेडरलिज्म थर्ड इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है देखिए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन या फिर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इस बात पे तय होता है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना कितना आसान या फिर कितना डिफिकल्ट है अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना डिफिकल्ट है तो हम उसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को अमेंड करना आसान है तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं अब अगर हम अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो देखिए लगभग सवा दो सौ साल हो चुके हैं संविधान बने हुए और अभी तक उनकी जो अमेंडमेंट्स हैं वो लगभग सत्ताई सत्ताईस अट्ठाइस अमेंडमेंट्स वहां पर हमें देखने को मिलती हैं वहीं पे अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलता है दैट देर आर सर्टेन प्रोविजंस ट लाइक रिलेटेड टू वेरियस एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड लाइक दिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशनशिप अब ये दोस्तों अमेंड करना काफी कठिन है जिनको अमेंड करने का जो प्रोसीजर है दैट इज वेरी टफ गिवन इन आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट देन देर आर वेरियस अदर प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इजी टू बी अमेंडमेंट राइट सो इस तरह से अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो यस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी देर आर आर प्रोविजन इन नेचर फिर फोर्थ यहां पर जो फीचर आ जाता है दैट इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट हम अभी बात करके आए कि बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ये तय होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या फिर यूनिटरी है सो so, ऑफकोर्स अगर हम यूके के यूएसए के केस में बात करें तो वहां पे भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है इंडिया के केस में भी अभी हमने सेवंथ स्केड्यूल का जिक्र किया तीन लिस्ट का जिक्र किया तो डेफिनेटली इंडिया में ऐसा है फिर बाय कैमरल लेजिस्लेचर बाय कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि भाई हमारा जो यूनियन लेजिस्लेचर है उसमें दो सदन यानी कि टू हाउसेस की प्रेजेंस अगर इंडिया के केस में बात करें या फिर यूएसए के केस में बात करें तो दोनों के ही केसेस में हमें देखने को मिलता है कि देयर इज बाइकैमरा लेजिस्लेचर इंडिया में हम देखते हैं भाई लोकसभा भी है एंड राज्यसभा भी है अब लोकसभा का काम क्या है तो लोकसभा का काम है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो एमपी को आपने चुनकर भेजा है वो एमपी उन लोगों के हितों की बात अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात पार्लियामेंट में रखेगा सो so, लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला जो सदन है या जो जिसमें लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है हमारी लोकसभा एंड राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में हमें देखने को मिलता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर लोग नहीं आते हैं राज्यसभा में स्टेट से एमपी आते हैं सो राज्यसभा के जो एम होते हैं सो वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं वो बेसिकली सेंटर में जाकर स्टेट के हितों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं राइट right, सो so सेंटर में जाकर यानी कि हमारी सेंट्रल लेजिस्लेचर में जाकर इस तरह से काम करते हैं कि जिस स्टेट से वो चुनकर आए हैं उस स्टेट के हित में काम हो उस स्टेट के अगेंस्ट कोई काम ना हो इस चीज को इंश्योर करना हमारे राज्यसभा का काम है ना तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर एंड मैंने आपको उसका फंक्शन भी बताया कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर में हमारी लोअर हाउस का एंड अपर हाउस का क्या फंक्शन होता है एंड सिक्स फीचर जो माना जाता है फेडरलिज्म का दैट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी ऑफकोर्स हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है अगर यूएसए की बात करें तो वहां पे भी जुडिशियर इंडिपेंडेंट है सो so, ये छह के छह फीचर्स जो कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरलिज्म का जो टाइटल है वो मिला है वही छह छह के छें फीचर्स हमारे संविधान में भी हमें देखने को मिलते हैं अगर इन छह फीचर्स के बेसिस पर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जज करते तो ऑफकोर्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ट्रू फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता बट देन देन देर इज मोर टू दिस स्टोरी अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देर आर वेरियस अदर फीचर्स

यूएसए uh, के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो वहां पर हमें डुअल सिटीजनशिप देखने को मिलती है यानी कि आप यूएसए के सिटीजन तो हो ही हो उसके साथ साथ आप जिस स्टेट में रहते हैं जहां पे आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के भी सिटीजनशिप आपको मिल जाती है इंडिया के केस में अगर आप बात करें तो इंडिया में आप केवल और केवल सिंगल सिटीजनशिप पाते हैं और अगर आप इंडियन हैं तो मतलब आप इंडिया के सिटीजन हैं आपको कोई स्टेट के सिटीजनशिप यहां पे नहीं मिलती ऑफ कोर्स डोमिसाइल इज अ डिफरेंट मैटर बट दैट दैट इज नॉट सिटीजनशिप दूसरा इंडिया के केस में अगर हम

तो आर्टिकल थ्री में हमें देखने को मिलता है कि भाई पार्लियामेंट के पास इतनी ज्यादा एक्सट्रीम पावर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स कि भाई पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी स्टेट की बाउंड्री को नाम को एरिया को अमेंड कर सकती है घटा बढ़ा सकती हैं सो so, पार्लियामेंट के पास सारी पावर आ गई कि किसी, किसी भी स्टेट के साथ वो चेंज कर सकती है फिर थर्ड जो है यहां पर दैट इज नेशनल इमरजेंसी के दौरान हमें देखने को मिलता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट है वो सस्पेंड हो जाती है राइट right? हमने अभी बात की सेवंथ कैड्यूल की हमने बात की स्टेट्स के बीच में एंड सेंटर के बीच में पावर्स बटी हुई हैं बट जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सस्पेंड हो जाती है उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि भाई अगर यूनियन लिस्ट की बात करें तो यूनियन लिस्ट में course, अगर हम की बात करें सेवंथ्यूल में मैंने अभी आपको बताया देर आर मोर सब्जेक्ट्स मोर नंबर टू लिस्ट अगर उसके बाद हमें फर्दर अगर हम यहां पर बात करें कि कंकरेंट लिस्ट में भी जो सब्जेक्ट्स हैं वहां पर भी अगर मान लीजिए दोनों, दोनों को वहां पे पावर मिली हुई है कि कानून बना सकते हैं सेंटर भी स्टेट भी बट अगर वहां पर देर इज अ बिटवीन सेंटर एंड स्टेट लॉ देन वी नो दैट सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल सो ये सारे फीचर्स हो गए इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि आई मीन देर आर सम अदर फीचर्स एज वेल जैसे कि अगर हम बात करें लेट्स से आर्टिकल थ्री की हमने बात की उसके बाद हमें और बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जहां पे सेंटर प्रिवेल कर जाता है जैसे कि गवर्नर की आप यहां पे, पे बात कर लीजिए गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट है लेकिन गवर्नर को अपॉइंट कौन कर रहा है गवर्नर को अपॉइंट कर रहा है सेंटर गवर्नर को रि, रि, रिमूव कौन करता है प्रेसिडेंट सो बेसिकली गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट है लेकिन एजेंट ऑफ द सेंटर के रूप में काम करता है इसी तरह से अगर हम हमारी पब्लिक सर्विसेज की बात करें पब्लिक सर्विसेज में भी जैसे आई है आईपीएस है इन सबको सर्व करना होता है स्टेट में इन सबको काम करना होता है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर बट इनको हटाना और इनको लगाने की जो जिम्मेवारी है या जो पावर है वो किसके हाथ में वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है सो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इन्हें सर्विस से हटा सकती है अफकोर्स एज पर द रूल्स और चाहे तो इन्हें अपॉइंट कर सकती है बट देन स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ अगर ये काम करते भी हैं तो मैक्सिमम जो पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास वो है कि स्टेट गवर्नमेंट इन्हें सस्पेंड कर सकती है राइट right? सो so, इन सभी फीचर्स को अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है वो अमेरिका से काफी ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है एंड कई मानों कई मायनों में हमारा जो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी की तरफ भी चला जाता है इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स ने हमारे फेडरलिज्म को अलग अलग तरीके की संज्ञा देने की कोशिश की है जैसे मॉरिस जॉनसन की अगर हम बात करें उन्होंने कहा जी हमारा जो भारत का फेडरलिज्म है वो एक बारगेनिंग फेडरलिज्म है यानी कि ट्रू फेडरलिज्म नहीं है बार्गेनिंग वहां पर हमें देखने को मिल रही है ट्रू फेडरलिज्म एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में फिर अगर हम यहां पर आइवरी जेनिंगस की बात करें इन्होंने कहा जी फेडरलिज्म या फेडरेशन विद स्ट्रॉग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज इन्होंने इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया further observed that indian constitution is mainly federal with unique safeguards for enforcing national unity and growth grenwell ostev ne unko jo hamare constitution ko sangya di that is cooperative federalism agar मुझे आप पर्सनली पूछें कि सबसे बेस्ट यहाँ पे जो संज्ञा हमारे संविधान के लिए सेट बैठती है तो वो अलेक्जेंड्रोविच ने दी जिन्होंने कहा कि Indian Constitution is sui generis ट इज यूनिक इन करेक्टर इनका कहना स्पष्ट था कि भाई हमारा जो फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन का जो जो भारत के संविधान का फेडरलिज्म है जरूरी थोड़ी ना है कि इसे आप यूएसए के साथ कंपेयर करोगे यूएसए का अपना अपना फेडरलिज्म फेडरलिज्म है है इनका सो सो यानी कि in its own so, ये यहां पर हमें देखने को मिलता है कि वेरियस पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इंडियन फेडरलिज्म के बारे में कमेंट्स किए हैं ये था हमारा आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद स्ट्रॉग यूनिटरी फीचर्स आने वाली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि बाकी के एक दो इंपॉर्टेंट जो फीचर्स बचे हैं उन्हें हम फटाफट से एक ही वीडियो में खत्म करें एंड उसके बाद फिर हम प्रियम्बल की तरफ बढ़ेंगे ऑफ कोर्स प्रियम्बल की जो आने वाली वीडियोस होंगी उसमें हम सोशलिज्म सेक्युलरिज्म और बाकी के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एंड टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे थैंक यू